नमस्ते, स्वागत है आपका रामबाण इलाज में। आइए देखते हैं डेंगू का इलाज। पपैये के पेड़ के पत्तों के जूस के सेवन से प्लेटलेट की मात्रा बढ़ती है जो डेंगू में कम हो जाती है। अब एक नजर पपैये के पेड़ और पत्तों पर। इन ताजा पत्तों को पानी से अच्छी तरह से धो ले। कृपया जूस बनाने की सामग्री को इस फोटो में देख ले और नोट कर ले। तो अब देखते हैं जूस कैसे बनता है। पहले थोड़ा सा पानी डाले जार के अंदर। एक ग्लास जूस के लिए दो पत्ते लगेंगे, जिसे बारीकी से काटकर जार में डाल ले। पर उससे पहले पत्तों की डाली को काट ले। अब आगे थोड़ा सा पीने का पानी डालें। अब अंदाजन 25 सेकेंड्स तक पीस लें। आइए इसके तैयार होने तक इसके सेवन की कुछ जरूरी टिप्स जान लेते हैं। इस जूस का सेवन सुबह खाली पेट और शाम को करें। जूस पीने के पश्चात आधे घंटे तक कुछ न खाएं। जूस के साथ डॉक्टर की दवाइयां जारी रखें। जूस का सेवन प्लेटलेट की मात्रा नॉर्मल होने तक जारी रखें। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी और डालें और अच्छी तरह से पीस लें। ऐसा देखा गया है कुछ लोग 30 दिन तक एक ग्लास जूस रोज सेवन करते हैं ताकि डेंगू फिर से ना झपेट ले। जूस की कड़वाहट को दूर करने के लिए मुखवास या शक्कर का सेवन करें। डायबिटीज के मरीज शक्कर ना लें। अब जूस को बर्तन में कपड़े से छान ले और कपड़े को पूरी तरह से निचोड़कर जूस निकाल ले। अब जूस पीने के लिए तैयार है। तो अपनाइए इस रामबाण इलाज को और हमेशा खुश रहिए।